गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। और आज करेंगे हम हिंदी ग्रामर में फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो ठीक है बेटा, हमने पहले करा हुआ है जरूरी काम के लिए और बीमारी के लिए, अब करेंगे हम फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी आदर शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लमगढ़। ये हमारा सेम है श्रीमान जी, जैसे हम उसमें लिखते हैं इसी तरीका से हमने इसमें लिखा है। सामान्य निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। तो आप यहाँ पर बताएंगे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का दूसरी कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, तो दोनों आएगा। मेरे पिताजी एक किसान हैं, उनकी आय बहुत कम है। आय मिस होता है सैलरी, यानी कम कमाते हैं, उनकी आय बहुत कम है, वह मेरी फीस जमा नहीं कर सकते, कृपया करके मेरी फीस माफ़ कर दें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य नाम शिष्य आएगा, क्योंकि लड़के के बारे में ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम, अपना नाम लिखिए, कक्षा दिनांक। ठीक है बेटा जी, एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लमगढ़। श्रीमान जी, सामान्य निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, उनकी आय बहुत कम है, वह मेरी फीस जमा नहीं कर सकते, कृपया करके मेरी फीस माफ़ कर दें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम डालें, कक्षा और जिस दिनांक में डाल रहे हो वो डेट। ठीक है बेटा जी, ये हमारा फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, जैसे हमने जरूरी काम के लिए और फीस बीमारी के लिए कराया, ऐसे ही सेम ये फीस माफ़ी के लिए है। आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।